हरात खाते मुस्लिम धर्म गुरु सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह नो जन्म दिवस પ્રોગ્રામ માં મૌલાના પીર બખ્શ સાહેબે બાપુ ગુલામ હુસૈન જિલ્લાની જિંદગીમાં કેવા કેવા કામ કર્યા છે, તેમને મદ્રસા અને સ્કૂલો બનાવ્યા છે, આપણે એમની જિંદગીથી કંઈ શીખવું જોઈએ એવો પબ્લિકને સંદેશો આપ્યો હતો। આ પ્રોગ્રામમાં મૌલાના યુસુફ સાહેબ, મૌલાના અરબાબ સાહેબ, મૌલાના હિદાયતુલ્લાહ અને કારી ઉમર સાહેબે હાજરી આપી હતી। પ્રોગ્રામ પછી મૌલાના યુસુફ સાહેબે બાપુ ગુલામ હુસૈન શાહની ઉંમરમાં બરકત અને એમની તંદુરસ્તી માટે અને દેશ માટે અમન અને શાંતિની દુઆ માંગી હતી। આજ થરાદ સુન્ની જામા મસ્જિદ મે इस्लामिक सूफ़ी संत पीर बापू सैयद गुलाम हुसैन शाह जिलानी के यौम विलादत को शान शौकत के साथ मनाया गया है। पीर बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी लूनी शरीफ कच्छ मुंद्रा तालुका के अंदर पैदा हुए और आज पूरे हिंदुस्तान में वो समाज की सेवा, एजुकेशन, हेल्थ के अंदर कौम की सेवा कर रहे हैं। आपने कई एक मदारिस और स्कूल बनाए और एक यूनिवर्सिटी भी आपने कायम की है। आपके स्कूल्स और मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 16 से 20 हज़ार बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने कौमी एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। हर साल आपके दरगाह आपके मदरसे में सालाना जलसे में बहुत से लोग हाजिर होते हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह, और अपनी जायज़ मुरादें तमन्नाएँ पूरी करते हैं। साथ ही साथ आप यूनानी डॉक्टर भी हैं कि जिनसे बहुत से लोग फैज़याब होते हैं, आपकी दवाई से बहुत से लोग सेहतमंद भी हुए हैं।